हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज अपने इस वीडियो में आपको नेशनल एल्यूमिनियम का पूरा डिटेल एनालिसिस शेयर करने वाला हूं। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि नेशनल एल्यूमिनियम में क्या चल रहा है। देखो गाइस, अगर आप नेशनल एल्यूमिनियम को देखोगे, ये लेवल था गाइस कोरोना काल का लेवल। इसके बाद क्या हुआ, कोरोना काल में एक स्थिरता आई और प्राइस यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगा। फिर इसके बाद एक ये जैसे ही अपना 38 का लेवल ब्रेक हुआ, 38-40 का लेवल, तो प्राइस अप गया, रीटेस्ट किया, और फिर आप देख सकते हो प्राइस में एक अच्छा खासा बुलिशनेस देखने को मिला। और जब ये मार्केट का नेशनल एल्यूमिनियम में बुलिश ट्रेंड था, तो किस वे पे आप जा रहा था प्राइस अप, अगर आप देखोगे एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके कंटिन्यू अप जा रहा था। क्लियर हुआ, जब इस ट्रेंड लाइन का कंटिन्यू सपोर्ट लेके अप जा रहा था, तो वहाँ एक चीज़ और हुई। अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक अपने को न्यू ट्रेंड लाइन मिली थी, यहाँ से एक अपने को न्यू ट्रेंड लाइन मिली थी। अगर आप देखोगे ये अपनी न्यू ट्रेंड लाइन थी, ये जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन यहाँ से थी वो काम करना बंद कर दी, और यहाँ फिर एक नई ट्रेंड लाइन मिली और इसी का सपोर्ट लेते हुए हायर लो बनाते हुए प्राइस अब जाने लगा। और अगर आप देखोगे तो जैसे ही अपना ये लेवल ब्रेक किया था, आप वीडियो डाला है, मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देखिएगा। जैसे ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ था, ब्रेक करने वाला था, तभी मैं बताया था कि अब यहाँ से प्राइस फॉल होगा, और मैं क्यों समझ गया था कि अब प्राइस यहाँ से फॉल होगा, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर आप RSI को देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम प्लस डे ऑन टाइम फ्रेम दोनों कन्फर्मेशन दिखाऊंगा कि मैं यहाँ क्यों बोला था प्राइस गिरेगा। अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम, तो अगर आप यहाँ से देख सकते हो प्राइस यहाँ कंटिन्यू अप जा रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे प्राइस अप जा रहा था, ये आप देख सकते हो प्राइस अप जा रहा था। लेकिन अगर आप RSI देखोगे, RSI में प्राइस गिर रहा था, RSI गिर रहा था, यहाँ देखो RSI गिर रहा था, लेकिन प्राइस नया हाई लगा रहा था। अगर प्राइस नया हाई लगा रहा है, RSI को भी नया हाई लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ RSI नया हाई नहीं लगाया, लोअर हाई बनाया। और जब लोअर हाई बनाया RSI, तो वहाँ क्या होता है, डाइवर्जन क्रिएट होता है। प्राइस देखो, RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है, RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है। प्राइस और मोमेंटम के बीच डाइवर्जन क्रिएट हुआ, तो प्राइस को भी मोमेंटम को फॉलो करना पड़ता है। जब मोमेंटम डाउन साइड हो गया, तो प्राइस वीक हो गया, और फिर आप देख सकते हो किस प्रकार फॉलिंग हुई नेशनल एल्यूमिनियम में। क्लियर हुआ। अगर आप देखोगे तो अभी जैक 65 के लेवल पे, सॉरी 66 के लेवल पे डाउनसाइड बेस बना रहा है नेशनल एल्यूमिनियम। क्लियर हुआ। अगर आप देखोगे यहाँ, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रा किए दे रहा हूँ, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ 3 वीक से, यहाँ 3 वीक का सपोर्ट ले रहा है प्राइस। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो जब प्राइस यहाँ से ब्रेक करने के बाद एक जैक इसी लेवल का सपोर्ट लेने आया था, फिर प्राइस अप गया था, फिर रेटेस्ट किया, फिर प्राइस अप गया। क्लियर हुआ। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 66 का लेवल। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ से प्राइस गिरा था, मैं वीकली टाइम फ्रेम तो बताया, लेकिन अब डे और टाइम फ्रेम में डिटेल से समझाऊंगा, और अभी क्या कर सकते हैं नेशनल एल्यूमिनियम में वो भी बताऊंगा आपको। अब देखो, समझने लायक बात है गाइस, थोड़ा सा डिटेल्स देखना। अगर आप यहाँ देखोगे डे और टाइम फ्रेम, प्राइस अब जा रहा है। अगर आप डे और टाइम फ्रेम देखोगे, प्राइस अब जा रहा है, लेकिन RSI में देखोगे तो RSI प्राइस कंटिन्यू गिर रहा था। यहाँ क्लियर समझ में आएगा, देखो प्राइस अब जा रहा था, लेकिन RSI में प्राइस गिर रहा था। जैसा कि मैं आपको बताया, RSI मोमेंटम इंडिकेटर होता है, तो प्राइस यहाँ मोमेंटम के सामने वीक हुआ, और प्राइस को भी डाउन साइड गिरना पड़ा, मोमेंटम साइड गिरना पड़ा। और उसके साथ साथ ये अपनी ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुई थी, और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, तो एक समझ में आ गया था कि प्राइस यहाँ से फॉल करेगा तगड़ा। क्लियर हुआ। अब देखो, अब अभी प्राइस इस लेवल पर चल रहा है, अभी प्राइस इस लेवल पर चल रहा है, तो यहाँ नेशनल एल्यूमिनियम में क्या हो सकता है, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल से समझाऊंगा, और अभी क्या कर सकते हैं। तो मैं ये डाइवर्जन जो समझाया आपको, तो मैं हटा देता हूँ। लेकिन अगर आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से गिरा था, गिरने के बाद थोड़ा सा यहाँ अच्छा खासा कंसोलिडेट किया था, और यहाँ एक ट्रेंड लाइन को भी नेशनल एल्यूमिनियम ने रिस्पेक्ट किया था, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले, गिरे रेजिस्टेंस ले, और फिर फॉल किया। और अगर आप देखोगे तो यहाँ मोमेंटम फ्लैट था RSI का। अब देखो भाई, अभी हम क्या कर सकते हैं नेशनल एल्यूमिनियम में, लॉन्ग टर्म के लिए क्या होल्ड करने लायक है नेशनल एल्यूमिनियम, या लॉन्ग टर्म के लिए अपना टारगेट क्या है, दोनों चीज़ की बात करता हूँ। देखो भाई, अगर आप नेशनल एल्यूमिनियम को लॉन्ग टर्म पर्पज से देख रहे हो, तो अभी प्राइस क्या चल रहा था, देखो प्राइस जैसे ही 72 का लेवल ब्रेक किया अपना, अगर आप देखोगे जूम कर दिया हूँ, प्राइस जब यहाँ से गिरा, गिरने के बाद रिटेस्ट किया, अब गया प्राइस गिरा, और जब प्राइस यहाँ से अब जाना स्टार्ट किया, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो एक अपने को W क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले डबल बॉटम बनाया नेशनल एल्यूमिनियम, डबल बॉटम क्या होता है, रिवर्सल का संकेत होता है। दूसरी चीज, प्राइस ने W बनाया, अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ W बनाया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अब गया, और प्राइस रीटेस्ट भी करने आ गया। अगर आप देखोगे नेशनल एल्यूमिनियम को, प्राइस यहाँ रीटेस्ट करने भी आ गया नेशनल एल्यूमिनियम। अब क्या हो सकता है आगे, अब आगे ये हो सकता है गाइस, ये जो अभी अपना टॉप है ना 75 रुपये का,
जिन लोगों को अभी न्यू होल्डिंग बनाना है नेशनल एल्यूमिनियम में, जिन लोगों को नई होल्डिंग बनाना है नेशनल एल्यूमिनियम में, तो जैसे ही 75 रुपये का लेवल ब्रेक करे तो 75 रुपये के ऊपर एंट्री बनाए और इस रेड कैंडल के नीचे अपनी, इस रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, 72 रुपये के नीचे अपना स्टॉप लॉस, 75 रुपये के ऊपर एंट्री, और पहला टारगेट हो जाएगा गाइज अपना 85 रुपये, और सेकंड टारगेट हो जाएगा गाइज कहीं ना कहीं अपना 95%। पहला टारगेट हो जाएगा 85, दूसरा टारगेट हो जाएगा 95, और अपना 3 रुपये का स्टॉप लॉस अगर 75 का लेवल ब्रेक करता है नेशनल एल्यूमिनियम, तो फिर अपने को आने वाले 10 से 15 दिन में अपने को नेशनल एल्यूमिनियम 85 टू 95 के बीच में देखने को मिल सकता है। क्लियर हो इतना? लेकिन मैं थोड़ा सा इस लेवल को और एडवांस समझाता हूँ। अगर आप देखोगे तो मैं इस लेवल को और एडवांस समझाता हूँ। यहाँ अपने को एक डब्ल्यू बेस बनाया, डब्ल्यू भी बनाया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, 75 रुपये को ब्रेक करेगा तो बाई पोजीशन बनाएंगे, पहला टारगेट हो जाएगा 85, दूसरा टारगेट हो जाएगा 95। क्लियर हुआ? लेकिन थोड़ा सा एडवांस चीज़ आपको समझाता जो कोई नहीं बताता आपने एनालिसिस में कि ये मार्केट क्यों बुलिश होगा या यहाँ से गिर सकता है या नहीं। देखो अगर आप RSI को देखोगे तो जैक RSI इस लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर आप RSI में देखना, आप देखो प्राइस अप गया, RSI का सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया RSI, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया। लेकिन अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस कंटिन्यू अप गया था। देखो RSI डाउन साइड सपोर्ट बना रहा था लेकिन प्राइस कंटिन्यू अप गया था। फिर क्या हुआ? अगर आप देखोगे RSI भी ब्रेक हुआ और प्राइस कंटिन्यू फॉल कर गया। लेकिन अब देखो प्राइस इस लेवल को लो लगाया लेकिन RSI ये नया लो लगाया, फिर प्राइस अब गया, रेजिस्टेंस लिया इस लेवल का, प्राइस नीचे गिरा, रेजिस्टेंस लिया, प्राइस गिरा, रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा। फिर अगर आप यहाँ देखोगे ये लेवल को तो देखो जब प्राइस यहाँ अब गया तो इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, अब साइड इसका रेजिस्टेंस लिया, फिर इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, फिर इस ट्रेंड लाइन का यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर अगर आप यहाँ देखोगे इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया और यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस फॉल किया और RSI भी फॉल कर गया। क्लियर हुआ? लेकिन अब देखो अगर आप देखोगे इसी लेवल का रेजिस्टेंस बना रहा था, पहले इसी लेवल का सपोर्ट बना रहा था RSI, रेजिस्टेंस बनाया, अब फिर अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचा है मार्केट नेशनल एल्यूमिनियम। लेकिन अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस से पहले अपना ये लेवल ब्रेक कर चुका है नेशनल एल्यूमिनियम। अब देखो अब आपके लिए मैं इसलिए ये एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन बता रहा हूँ, अगर नेशनल एल्यूमिनियम से 75 का लेवल ब्रेक करेगा तो RSI भी 44 के लेवल को ब्रेक कर जाएगा। अगर नेशनल एल्यूमिनियम 75 के लेवल को ब्रेक करेगा तो RSI भी इस लेवल को ब्रेक कर देगा, और जब ब्रेक करेगा एक बार अपने को 70 के आसपास RSI को 70 के आसपास देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में, और एक शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश देखा जा सकता है नेशनल एल्यूमिनियम शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इसके बाद ये रेजिस्टेंस मिले और एक बार यहाँ से प्राइस कुछ ना कुछ गिरे, इस कारण से शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश देखने को मिल सकता है नेशनल एल्यूमिनियम। आपको मैं टारगेट भी बता दिया, अब मैं यहाँ रीजन भी बता दिया, स्टॉप लॉस भी बता दिया, सब कुछ बता दिया नेशनल एल्यूमिनियम में क्या कर सकते हैं। लेकिन गाइस नेशनल एल्यूमिनियम इंटर डे परपज से ट्रेड नहीं है, क्योंकि ये इंटर डे लाइक स्टॉक नहीं है, केवल होल्डिंग लाइक स्टॉक है। तो मैं यही कहूँगा अगर 75 का लेवल ब्रेक करता है तो आप 85 तक के लेवल को देख सकते हैं, लेकिन 3 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगाना नेशनल एल्यूमिनियम में, अदरवाइज एंट्री मत करना। अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो एंट्री मत करना। अब बताओ भाई नेशनल एल्यूमिनियम का एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।